मध्य प्रदेश के नव निर्वाचित मुख्यमंत्री मोहन यादव जब से सीएम की कुर्सी पर बैठे हैं तब से एक के बाद एक दमदार फैसले लिए जा रहे हैं। फैसला धार्मिक स्थलों के ऊपर से लाउडस्पीकर हटाने का हो या फिर खुले में मांस मछली की बिक्री पर पाबंदी लगाने का। उनके ये फैसले और विधानसभा में दिए जा रहे उनके भाषण इस तरफ इशारा करते हैं कि मध्य प्रदेश की राजनीति फिर से एक बार हिंदुत्व की तरफ मुड़ रही है। आप राम नाम सत्य करने वाले कोर्ट में सर्टिफिकेट देते थे कि राम का अस्तित्व कहाँ है, राम जी कहाँ है, कपिल सिब्बल का आज भी एफिडेविट इस बात के लिए लज्जित करता है कि आपने प्रभु श्री राम पे प्रश्न उठाए थे, आज आप उनकी बात करते कि हाँ हमारे भी राम है। अरे तुम्हारे राम तो होते तो तुम ये सर्टिफिकेट क्यों देते, ये मामले क्यों उलझाते, राम मंदिर के मार्ग में क्यों बाधाएं खड़ी करते, ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है। लेकिन हिंदुत्व की तरफ पूर्ति इस राजनीति के बाद भी एक कसक है जो अभी भी मध्य प्रदेश के लोगों के मन में है। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयुध और आज के वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह आजादी के इतने साल बीत जाने के बाद भी अभी भी मध्य प्रदेश गुलामी की बोझ अपने कंधे पर ढो रहा है, किस तरह आज भी मध्य प्रदेश नवाबी शासन की ठसक में फंस कर रह गया है। मध्य प्रदेश और खास करके मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लंबे समय तक नवाबों का शासन रहा। अब जब नवाबों का शासन रहा तो मध्य प्रदेश की तस्वीर और तकदीर भी बदली गई, जगहों के नाम भी बदले गए और उनके ऊपर ऐसे नाम थोप दिए गए जो गुलामी की निशानी से बढ़कर कुछ नहीं थे। मध्य प्रदेश की सरकार ने इनमें से कई नामों को बदलने की कोशिश की, जैसे होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम किया गया, भोपाल से कुछ ही दूर स्थित इस्लाम नगर जगदीशपुर बना। इन जगहों के नाम तो बदल दिए गए लेकिन इनकी पहचान बदलने में आज भी कहीं पर शायद थोड़ी सी कमी रह गई है। यही कारण है कि होशंगाबाद का नाम तो बदल गया लेकिन सड़कों पर लिखे बोर्ड में आज भी नर्मदापुरम की जगह होशंगाबाद ही लिखा हुआ दिखता है। इस्लाम नगर की पहचान आज भी सड़कों के किनारे लगे हुए बोर्ड पर जस की तस बनी हुई है और जगदीशपुर अपनी नाम अपनी पहचान के लिए तड़प रहा है। इसके साथ ही बेगमगंज, गैरतगंज, शाहगंज जैसे कई ऐसी जगहें हैं जहां के नागरिक लंबे समय से ये मांग कर रहे हैं कि इन जगहों का नाम भी बदला जाए। भोपाल का हलालपुरा स्टैंड आज भी उसी तरह से सीना तान कर खड़ा है। आयुध की टीम ने मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी से बात की थी जब उन्होंने बातचीत के दौरान दर्जनों ऐसे नाम गिनाए थे जिन्हें बदले जाने की जरूरत है। आप भी सुनिए रमेश शर्मा जी क्या कहते हैं। ये जो नाम बदले गए हैं ये कहीं ना कहीं हमलावरों ने बदले हैं। मतलब नाम दो प्रकार से रखे गए, जो सल्तनत काल में और अंग्रेजी काल में दो प्रकार से नाम रखे गए। एक तो कोई स्थान खाली है और उन्होंने नया बसाया और नाम रख दिया, लेकिन एक दूसरा स्थान वो है जिसका उन्होंने दमन किया, लोगों का कत्लेआम किया, कत्लेआम करके लूट की और अपना कोई नाम रखा। तो कुछ नाम ऐसे हैं तो जो नाम दमन के आधार पर रखे गए हैं वो नाम बदलना ही चाहिए। जैसे कुछ दिन पहले जो नाम बदला था, जगदीशपुर का नाम बदला था, इस्लाम नगर था उसको जगदीशपुर बदला था, वो दमन की कहानियाँ सब लोग जानते हैं, वो एक अच्छा नाम था। इसी तरीके से नसरुल्लागंज, इस्लाम को बदले हुए भी बहुत दिन नहीं हुए, मुश्किल से 101 वर्ष हुए हैं, चूँकि नसरुल्ला खान नवाब जो अंतिम नवाब भोपाल के हमीदुल्ला खां थे उनके सबसे बड़े भाई थे और चूंकि किसी वजह से ये तय हुआ था कि गद्दी जो है छोटे नवाब को देना है तो वो जो दोनों बड़े भाई थे तो नसरुल्ला खां और अब्दुल्ला खां उन दोनों को बाहर जागीरें दे करके दूर किया था। तो ये जो अब्दुल्लागंज जिसका नाम है इसका नाम जो था वो कलियाखेड़ी नाम था, ठीक है कि नहीं, हिरानिया नाम था इन आसपास के गाँव का, जैसे अब्दुल्लागंज और गौरगंज तो एक का नाम हिरानिया था और एक का नाम कलियाखेड़ी था, तो एक का नाम गौरगंज करा उन्होंने और एक का नाम अब्दुल्लागंज करा। ठीक उसी प्रकार किसी समय यहाँ पर विशाल मंदिर था सलकनपुर का, देवी जी का मंदिर था और उसके बगल में ये गांव भैरोगढ़ बसा हुआ था जो फिर लोक भाषा में आगे चल करके भैरुंदा हुआ। तो नवाब नसरुल्ला खां को वहाँ की जागीर दे करके उसका नाम नसरुल्लागंज रख दिया गया। तो अब सरकार ने चूँकि उसको बदला है इसका स्वागत किया जाना चाहिए। इसके अलावा बहुत भोपाल के आसपास ऐसे नाम, भोपाल रियासत के यद्यपि जिला थोड़ा सा बदल गया है, जैसे बेगमगंज है, ठीक है कि नहीं, बेगमगंज का नाम जो था वो सियाबास था कभी पहले, फिर बिगड़ करके सेबास हुआ, वो बेगमगंज उन्होंने रखा। ठीक तो कहीं ना कहीं वो नाम बदलना चाहिए। जैसे मान लीजिए बिल्कीसगंज है, वो गांव जागरिया था,
ये भोपाल जिले में ही है, रातीगढ़ से थोड़ा सा आगे है, वो गांव जागरिया था, तो जागरिया का नाम बिल्किसगंज कर दिया। ऐसे ही आप भोपाल नगर में देखेंगे एक मोहल्ले का नाम इस्लामपुरा है। वो जो इस्लामपुरा है वो देवी का मंदिर हुआ करता था और देवीपुरा उसका नाम था। तो अंत तो गतवा किसी प्रकार उस मंदिर को लोगों ने बचाने की कोशिश की, तो उन्होंने भोपाल में रुपया नहीं चलता था, कौड़ी चलती थी, तो 6 कौड़ी में केवल मंदिर की जमीन की सुरक्षा की, तो वो 6 कौड़ी मंदिर के रूप में आज भी है। बाबू देवी मंदिर था तो उन्होंने करके उसका नाम इस्लामनगर रखा। इब्राहिमपुरा है, ठीक, तो इब्राहिमपुरा है, ये ब्रह्मपुरा इसका नाम था तो उसका नाम इब्राहिमपुरा रखा। ऐसे बहुत सा, लाल घाटी के पास बस स्टैंड जो पुराना है उसका नाम हलालपुर है। तो जब रानी कमलापति के पास जो अंतिम लड़ाई हुई थी वो वहाँ हुई थी, वहाँ हलाल किया गया था तो उसका नाम हलालपुरा था, हलालपुरा आज भी है। जैसे हलाली डैम बना हुआ है मंगलगढ़ के, जगदीशपुर के लोगों को वहाँ हलाल किया था, तो हलाली डैम का भी नाम बदलना चाहिए, हलालपुरा बस स्टैंड का भी नाम बदलना चाहिए, बिल्किसगंज का भी नाम बदला जाना चाहिए, शाहगंज उसका नाम चीचरी था जो अब शाहगंज गाँव है, तो शाहगंज का भी नाम बदला जाना चाहिए, अब्दुल्लागंज का भी नाम बदला जाना चाहिए, गौरगंज का नाम भी, गैरतगंज का, बेगमगंज का, ये सारे नाम बदले जाने चाहिए। इससे स्वत का बोध होगा, हमारी स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव तभी सार्थक होगा जब हम अपने स्वत को जागृत करेंगे, अपने स्वाभिमान पर, अपनी धरती पर, अपनी स्मृतियों को ताज़ा करेंगे, तभी यह अमृत महोत्सव सार्थक होगा। तो अब मध्य प्रदेश के नागरिक इंतजार कर रहे हैं कि क्या नए CM के साथ भाजपा के हाथों में फिर से आई मध्य प्रदेश की बागडोर के बाद अब उन जगहों के नाम बदले जाएंगे जिनसे गुलामी की बू आती है। देश स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहा है, क्या अमृत की ये कुछ बूंदें मध्य प्रदेश के नागरिकों के हाथ में भी आएंगी, और जब देश स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव पूरा कर चुका होगा तब मध्य प्रदेश अपने माथे से गुलामी की, नवाबी शासन की इस काले टीके को मिटा चुका होगा। आप अपनी बात कमेंट करके बताइए, आपके भी ध्यान में अगर कोई ऐसी जगह हो जिसका नाम बदला जाना चाहिए तो कमेंट में बताइए। इसके साथ ही इस मुहिम को मजबूत बनाने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी हमसे जुड़ सकते हैं और यूट्यूब पर तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।